चलो आज लेक्चर आहे ना, मी असं ठरवलं आहे की आज लेक्चर होईल फळ्यावर, घेऊ आपण आज लेक्चर बोर्डवर, काय म्हणता? हा बोर्डवर घेऊ आपण आज. बोर्ड पे लिख लेक्चर. ओके, पूरा बोर्ड कवर होता है. वेरी गुड. चलो, कैन एवरीबॉडी सी मी? क्या मैं दिखा दे रहा हूँ सब लोगों को? आज ठंडी फूक रहा हूँ पूरा ना, पानी में ठंडी है आज. बोला. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. मार्कर बना है, कैसे है आप लोग? एक काम करता हूँ, मैं सिस्टम के कंट्रोल यहाँ से मेरे हाथ में रखता हूँ. तो अगर किसी को अनम्यूट करना है तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर सकता हूँ. ओके, हु इज गोइंग टू स्पीक विथ मी थ्रू आउट द लेक्चर? हु इज गोइंग टू आंसर माय सिली क्वेश्चंस? माझा आवाज येतोय ना तुम्हाला सगळ्यांना? परत ते सांगावर, आवाज येतोय का सर? व्हॉइस थोडीशी लो है. मुझे लगा वो भी, क्योंकि मैंने ना माइक जो है ना, वो मेरे पास टेबल माइक है, तो वो टेबल पे रखा हुआ है. सो इट माइट फील कि माइक का जो आवाज है वो कम है. माइक को थोड़ा आगे रखूँ क्या मैं? ट्राइंग टू कीप माइक एज क्लोजर टू मी एज पॉसिबल. हाँ, परफेक्टली ऑडिबल माय वॉइस? यस सर. चलो बहुत अच्छे. देखो यहाँ से कमेंट भी देख सकता हूँ मैं. सर इट्स फाइन, परफेक्टली ऑडिबल. ध्रुव गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. जो जिन लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बस इतना ख्याल रखो कि कोई बैकग्राउंड नॉइज ना. ओके, चलो हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? होली जनता. तो मैं काम करता हूँ, जो मैंने पढ़ाया उसको है ना, मैं क्विकली 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ. कितने मिनट? मैंने आपको कल बताया कि मोमेंटम क्या होता है. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. पहले लेक्चर में मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि मोमेंटम होता क्या एग्जैक्टली, उसका फील आया. आप में से कुछ लोगों को जरूर फील आया होगा, है कि नहीं? कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए. इसका बैकग्राउंड नॉइज ये. ओके सर, इसका हाँ मैं वही सोच रहा था, किसी का तो बैकग्राउंड नॉइज है. बैकग्राउंड नॉइज बता रहे. अब देखो, कल मैंने आपको ये बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्स, एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो और सिस्टम इज जीरो, सो लॉन्ग टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. टोटल मोमेंटम क्या रहता है सिस्टम का? कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है,
सर मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज, तो मैं म्यूट अनम्यूट करता रहूंगा। ये अच्छा आइडिया है बेटा, अपना हैंड रेज करो, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। रेज योर हैंड। ओके, आई एम मेकिंग प्रतीक को होस्ट। तो प्रतीक, जिसने भी हैंड रेज किया है उसको अनम्यूट करना है, और किसी के पीछे बैकग्राउंड नॉइज अगर है तो उसको म्यूट करना है, ठीक है? ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। नाउ दिस प्रिंसिपल सेज दैट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो कल हमने कुछ एक्सप्लोजन के क्वेश्चन किए कि लेट अस से एक्सप्लोजन हुआ, एक टुकड़ा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इधर गया, इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है, ये इधर गया, ये v2 वेक्टर है, ये इधर गया, ये v3 वेक्टर है, ये इधर गया, ये v4 वेक्टर है। क्योंकि एक्सप्लोजन के पहले बॉडी का मोमेंटम जीरो था ना, एक्सप्लोजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था? जीरो था। तो क्योंकि एक्सप्लोजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम जीरो था, एक्सप्लोजन के बाद भी जीरो होना चाहिए, तो आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस m4 v4 वेक्टर। इन सब की एडिशन क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए, है कि नहीं? तो कल इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिन लोगों ने कल का लेक्चर मिस किया है उनको मैं एडवाइस करूंगा कि कल का लेक्चर एक बार देख लो, उसमें से एक क्वेश्चन भी देख लो। कल मैंने आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी बताया, परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बताया मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को, बोलो तो ध्रुव, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? हाउ डू वी आइडेंटिफाई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बोलो। अरे बोलो नालायक। प्रतीक, तुमको अनम्यूट, तुमको को होस्ट इसलिए किया है। हाँ प्रीति, बोलो बेटा। So both masses after collision will move together, will have same velocity. वेरी गुड, बोथ मासेस आफ्टर कोलिजन मूव टुगेदर। Together. तो आप, ये बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन सिचुएशन क्या हो जाती है? बोथ मासेस स्टिक टुगेदर, दोनों की वेलोसिटी क्या जाती है? सेम। सेम। तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या किया? m1 प्लस m2 इनटू v, वी बराबर। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2। ये आता है मोमेंटम कंजर्वेशन से। कैसे आता है ये? मोमेंटम कंजर्वेशन से। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है? अब ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया था, हाफ m1 m2 अपॉन प्लस m1 प्लस m2 गुड। लेकिन मैंने इसका ना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन नहीं दिया था, मैंने कहा था कि आप इसको करो, है कि नहीं? तो आप लोगों ने ये डेरिवेशन किया क्या? ट्राई किया? डिड यू ट्राई दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ये निकालने के लिए क्या बोला था मैंने? एक काम करो कि इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी क्या करो? माइनस। अगर आपने ये करके देखा होगा तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला, देखो, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वन प्लस एम टू वी का स्क्वायर। इफ यू डू दिस प्रोसेस यू डेफिनेटली गेट दिस फॉर्मूला। किसी ने तो किया होगा या किसी ने भी नहीं किया? हाँ यस सर। सच में? तो ये आया करने ही, और किया ना? ओके, चलो, कुछ लोगों ने तो किया होगा, जिन्होंने नहीं किया आज डेफिनेटली ट्राई करके देखो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आज क्या बताने जा रहा हूं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पेज पलटने का साउंड आ रहा है? देखो अगर आप, हाँ बेटा सर, ये आपने जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया उसके आगे 1 माइनस t स्क्वायर नहीं है? नहीं बेटा, और मैंने ई तो पढ़ा है नहीं अभी तक, तो ई क्या होता है? अच्छा सर, फिर वो दूसरा फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी का। तो तुम फॉर्मूले को मिक्सअप कर रहे हो, मतलब
यू आर मिक्सिंग अप द फॉर्मूलेस, डोंट मिक्स अप द फॉर्मूलेस। और मैंने उसके बारे में पढ़ाया आज पढ़ाऊंगा। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, देखो मोमेंटम तो सारे कोलिजन में कंजर्व होता है, लेकिन मोमेंटम के साथ साथ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, ऑल्सो रिमेन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो फिर मुझे बताओ कि ये मास से लेटर से m1 m2 इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, ये बिफोर कोलिजन है, ये कैसी है बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगी, लेटर से मुझे पता नहीं क्या होगी। ये मास m1 है, ये m2 है, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। मुझे बस इतना पता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। I know only two things, that momentum is conserved and kinetic energy also remains constant. तो मैं इसके दो equation तो लिख सकता हूँ ना, conservation of momentum और energy का। चलो मैं दो equation लिखूंगा, कैसा दिखेगा, अभी तो momentum का m1 u1 plus m2 u2, momentum का equation क्या आएगा, m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा दूसरा इक्वेशन एनर्जी का है, राइट, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, नहीं वी टू नहीं, यहाँ पे यू वन यू टू आएगा, तो रहेगी यू वन यू टू इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। अंडरस्टूड, दो इक्वेशन आ गए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर। I got two equations. आपको जो बताओ मुझे find क्या करना है? Find क्या करना है? Sir, velocity find करने after pull करने। Correct. मुझे ये v1 और v2 ये दोनों velocity find करनी है। मुझे ये पता है कि collision के पहले इन दोनों की velocity क्या थी, और मुझे find करना है कि collision के बाद इन दोनों की velocity क्या होगी। मुझे बस इतना पता है कि मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी मतलब कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्टली कैसा कोलिजन है, इलास्टिक इलास्टिक। तो फिर अभी इनको कैसे यूज करो, अभी देखो मुझे वीवर वीडियो निकालना है ना, सबसे पहला काम पहले हाफ हाफ कैंसिल करते हैं, ओके। अब इसमें से ना ये वाला क्वेश्चन उठा लो, पहले क्वेश्चन नहीं सॉरी इक्वेशन लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, अभी ध्यान ये देखो, ये m1 u1 है, ये m1 v1 है, तो काम करो इसको इधर लेके आओ, m1 m1 कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा u1 - v1, m1 v1 - u1, ठीक है, ये m2 u2 है, ये m2 v2 है, इसको इधर लेके जाओ और m2 कॉमन ले लो, m2 इन ब्रैकेट क्या होगा, v2 - u2, v2 - u2। तो ये हो गया, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब इस जैसे इसको मॉडिफाई किया, इसको भी मॉडिफाई किया, कैसे, सेम चीज, यहाँ पे भी m1 u1 का स्क्वायर है, m1 v1 का स्क्वायर है, इसको भी इधर लेके आओ, m1 कॉमन ले लो, m1 इन ब्रैकेट क्या आएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सिमिलरली इसको उधर भेजो और m2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में जाएगा v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आई गॉट दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, ठीक है, बराबर है, यस सर, करेक्ट, ओके। हाँ सर। तो अभी इसको देखो, अभी इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे हम, अभी जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, डिवाइड, चलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर equal to m1 u1 square minus v1 square divided by m2 v2 minus u2 divided by m1 u1 minus v1 v1। देखो m2 m2 क्या हो जाएगा, cancel, ये भी क्या हो जाएगा, cancel। अब ये बताओ a square minus b square क्या होता है, a minus b a plus, what is a square minus b square, a minus b a plus v2 minus u2, v2 plus u2 divided by v2 minus u2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
सिमिलरली वही चीज यहाँ पे होगी, यू वन प्लस वी वन, यू वन माइनस वी वन, यू वन माइनस वी वन, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो बचता क्या, व्हाट रिमेंस, ए टू प्लस यू टू इक्वल टू यू वन प्लस वी वन, इसमें काम कर सकते हैं, ये वी वन को इधर लेके जाओ, यू टू को उधर लेके जाओ, ए टू माइनस वी वन, यू टू को उधर लेके जाओ, यू वन माइनस यू टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो अभी आपने डिराइव किया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बताता है पता है, इसको केयरफुली देखो, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, राइट हैंड साइड पे देखो, u1 माइनस u2, व्हाट इज u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 इज द डिफरेंस बिफोर कोलिजन, हां रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, हां ये सर रिलेटिव वेलोसिटी, देखो u1 माइनस u2 ना, मतलब इसमें से ये माइनस किया ना, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस है ना कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के पहले वेलोसिटी का डिफरेंस ये, और अभी ये सूत्र लगा देखो v2 माइनस v1, देखो ये v2 है ये v1 है, अब v2 में से v1 माइनस किया तो ये कोलिजन के बाद वेलोसिटी का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी बोलना पड़ेगा एक्चुअली, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन is equal to difference of velocity before collision. अरे मतलब जैसे जैसे perfectly inelastic collision की खासियत ये थी कि objects दोनों collide होने के बाद दोनों की velocity same हो जाती है, both stick together, ये किसकी खासियत थी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की खासियत यह है कि ऑब्जेक्ट के कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी का डिफरेंस था वही ऑब्जेक्ट के कोलिजन के बाद भी होता है, समझे कि नहीं समझे, यस समझ में आ रहा है, ओके, सो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सो बिफोर आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी का, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो v2 माइनस v1 का मतलब होता है v2 v1 से कितना ज्यादा है, और v2 v1 से जितना भी ज्यादा होगा उतना एक दूसरे से अलग होते जाएंगे ना, यस yes. मतलब ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, लेकिन ऐसे ना समझ लो, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है दोनों के बीच का कितना ज्यादा है, तो उसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब v2 माइनस v1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू u1 माइनस u2 दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज द सिग्नेचर ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, चलो लिखो इसको फटाफट, एवरीबॉडी राइट दिस डाउन, चलो फटाफट लिखो, quick quick quick, no noise, अच्छा दिख रहा है सर, हम नोट डाउन करें या पीडीएफ सेंड करनी है, अब मैं पीस की पीडीएफ कैसे सेंड करूं, टमाटर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, हां तो गया इसकी पीडीएफ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड बोर्ड व्हाइट बोर्ड उसको मिटा दूंगा मैं, गुड मॉर्निंग गौरव, प्रतीक, अक्षय, विवेक, ये लोग यूट्यूब पर पाता है, और तो बारह मास वाटल की सुट्टी है, तरी मैं काल स्पेसिफिकली सांगितलं होतं की सुट्टी नाही आहे,
भी आस्किंग मी सर आज आईपैड पे क्यों नहीं लिया, ये कैसी बात है यार? जब मैं आईपैड पे लेता हूँ तब उससे बोर्ड पे क्यों नहीं लेते सर? अभी मैं बोर्ड पे लेता हूँ तो आईपैड पे क्यों? आईपैड ओनली डन लिख के हो गया, हेडिंग तो परफेक्टली इलास्टिक कोडिंग है। ओके जितने भी लोग जूम पे है अभी, कितने लोग है अभी जूम पे, हाउ मेनी आर वाचिंग दिस, देयर आर 163 स्टूडेंट्स इन द मीटिंग। ओके तो मैं आपको आई एम क्रिएटिंग अ पोल। ओके और क्वेश्चन है व्हाट डू यू प्रेफर, दो ऑप्शन है, दोनों में से एक टिक करना है। अभी मैंने लॉन्च किया, आपको दिख रहा है क्या? कैन यू सी दैट? यस सर। आप अपना सबमिट कर सकते हो उसमें। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक यू सबमिट योर आंसर योर चॉइस। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मुझे मिल गया, दैट इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन velocity of approach equal to velocity of separation. ठीक है, ये है mass, ये है mass m1 m2 u1 u2 before collision, ये है v1 v2 m1 m2, ये after collision, after before। तो मुझे equation मिला u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, that is called equation number 3। और मेरे पास already equation number 1 है, देखो momentum conservation का, remember momentum conservation क्या था, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, ये equation number 1 था, है ना? तो यहाँ से आप एक काम करो, मुझे ना v2 v1 फाइंड करने, मैं काम करता हूं यहां से v2 फाइंड करके यहां पे रिप्लेस कर देता हूं। यस विल वी डू दैट। चलो यहां से ना v2 फाइंड कर लेता हूं, यहां से v2 क्या आएगा, u1 minus u2 minus u2 plus v1, ये वैल्यू अभी मैं पुट करूंगा यहां, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1, और ये क्या है m2 in bracket v2 की वैल्यू ये है ना, हां u1 minus u2 plus v1, और जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मुझे v1 मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो देखो ये m1 v1 है, m2 से इसके साथ मल्टीप्लाई करो m2 v1, तो m1 v1 और m2 v1 से m2 कॉमन ले लो, सॉरी v1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा m1 plus m2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो इसको भी मल्टीप्लाई, क्या आएगा m2 u1 minus m2 राइट साइड में, क्या राइट साइड में है m1 u1 plus m2 u1। अब बस इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे सिंपलीफाई करना है देखो, आप मैं बताता हूं, यहां पे m2 u2 है, यहां पे माइनस m2 u2 था, अरे प्लस होना चाहिए था, अगर प्लस होता अपन कैंसिल कर देते,
लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये इधर आएगा m2 u2 और m2 u2 दोनों ऐड होंगे, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 u, है ना, ट्वाइस ऑफ m2 u2। वैसे m2 u1 भी उधर जाएगा, तो यहाँ पे m1 u1 है, तो ये u1 और u1 कॉमन निकलेगा, ये आएगा m1 माइनस m2 इनटू u1, और यहाँ पे क्या है v1 इनटू m1 प्लस ये इसके डिवीजन में भेज दो फॉर्मूला जाएगा v1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1। ये आ गया वेरी यूजफुल फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। और मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया कंप्लीट। यस। और जैसे v1 निकाला है वैसे v2 भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 1 की जगह 2 2 रखो, ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ये m1 की जगह क्या आएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1 की जगह क्या आएगा u। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, चलो ये डेरिवेशन भी लिख लो क्विक 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 क्विक। तब तो मैं पोल का रिजल्ट क्या आया देखता हूँ। ओके पोल का रिजल्ट ऐसा है, ये देखो डू यू सी द रिजल्ट्स, 65% prefer iPad and 35% prefer whiteboard, direct 1:3 है approximately, so only 1/3 students prefer whiteboard, that is surprising। वैसे बोर्ड पे जो दिखा लिखा है क्लियर तो दिखाई दे रहा है, आई गो मारा पानी लगे गो, चलो ठीक है। मेजोरिटी एक्सपेक्ट्स मी टू टीच ऑन आईपैड, सो आई विल डू दैट, अभी नहीं। हाँ चलो ये आ गया फॉर्मूले आ गए, अब इन फॉर्मूले के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल, फाइंड velocity of given objects after perfectly elastic collision। ठीक है, फर्स्ट दे रहा हूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 2 kg, ये 3 kg, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी दोनों की फाइंड करनी है। लेट अस कॉल इट m1, लेट अस कॉल इट m2, आपको फाइंड करना है, यूज दिस टू फॉर्मूलेस, इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, करो इसको।
पीछे ब्राइट स्पॉट आता है ना लाइट ऑन करने के बाद, थोड़ा ब्राइट दिख रहा होगा, और बस ये लाइट चमकता है बोर्ड पे। दूसरा लेटर से ये कार है और ये छोटी सी कार है, ठीक है। इसका मास ले लो 1300 kg, इसका मास ले लो 1200 kg, ओके। और इसकी स्पीड ले लो लेटर से 36 km/h, और सोचो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इसकी ले लो जीरो रेस्ट कंडीशन होती है स्टार्टिंग, कौन सी कंडीशन होती है रेस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। दोनों की ग्राफ निकालने आफ्टर कोलिजन, ठीक है, चलो करो। सर आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट क्लोजर नहीं आएंगे क्या, सागर पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर ही जाएंगे ना। अब देखो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसका अगर आप सॉल्यूशन देखते हो, v1 is 4 meter per second, v2 सर 5 meter। देखो पहले क्वेश्चन में सर v2 9 meter per second, m1 m2 क्या दिया है 2 kg 3 kg, u1 u2 क्या दिया है 10 meter per second एंड 5 meter per second, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या आएगी, पहले तो v1 ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1, पहले पुट कर देखो 2 इनटू m2 कितना है 3, u2 कितना है 5, अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा 5 kg ना, प्लस m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, 2 माइनस 3 अगेन 5 kg, u1 कितना है 10, 5 और 5 कैंसिल, 3 दो ने 7, ये माइनस हो जाएगा 5 दो ने ना माइनस, ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड v1 होता। और v2 देखो, v2 कितना आएगा ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2, पहले से पुट कर रहे देखो क्या आता है ट्वाइस ऑफ m1 कितना है 2, u1 कितना है 10, m1 प्लस m2 कितना आएगा 5 kg, प्लस m2 कितना है 3 माइनस 2 अगेन 5 इंटू u1 कितना है, नहीं u1 यहाँ u2 आएगा 5, करेक्ट, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और 5 गुने 10 इतने 4, 4 गुने 8, 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये आएगा 9 मीटर पर सेकंड। अब सागर बेटा ये देखो कि ये 9 मीटर पर सेकंड जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी बाद में 9 हो गई, और इसकी वेलोसिटी पहले 10 थी बाद में 4 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कोलिजन के बाद हमेशा। तो ये एक दूसरे के पास कैसे आएंगे, एक दूसरे से दूर ही जाएंगे ना आफ्टर कोलिजन,
और अगर एक दूसरे के पास अगर आएंगे आफ्टर कोलिजन तो फिर कोलिजन होगा, तो आफ्टर कोलिजन ये जो आगे वाला मास है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड ज्यादा होगी इसकी, दोनों में सेपरेशन बढ़ेगा। तो कोलिजन से पहले सेपरेशन घटता है, कोलिजन के बाद सेपरेशन बढ़ता है, और अगर कोलिजन के बाद सेपरेशन नहीं बढ़ेगा तो फिर से कोलिजन होगा ना भाई, फिर कोलाइड कर जाएगा ना वो ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ओके, सेकंड एग्जांपल का आंसर क्या है? सेकंड का मैं फाइंड करके बताओ कि आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे फिर से फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, है ना? सर वेलोसिटी ट्रांसफर होगी का क्या मतलब? मैंने बोला ही नहीं वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, व्हेन डिड आई से वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, डिड आई यूज दोस वर्ड्स? बट ये तो आपके शब्द, मेरे शब्द नहीं है। सर v1 is 22.5 मीटर पर सेकंड। ओके, और v2? जस्ट अ सेकंड। आई नेवर सेड वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, ये कहां से सुना आपने? बहुत गलत सुना है। वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं होती, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? मोमेंटम, नॉट वेलोसिटी। नेवर से वेलोसिटी इज ट्रांसफर, मोमेंटम इज ट्रांसफर। वेलोसिटी चेंज होगी, शायद वो कभी बढ़ेगी, शायद वो कम भी हो सकती है, है कि नहीं? ओके, सेकंड वाले में फॉर्मूला यूज करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि सेकंड इसमें वेलोसिटी इसकी जीरो है ना, यू टू जीरो है, तो यहाँ पे यू टू को जीरो पुट करो, यहाँ पे यू वन, एम वन प्लस एम टू मुझे 2500 आ जाएगा। यू टू तो बहुत इजी है, यू टू इक्वल टू नीचे 2500, और एम वन कितना है? 1300, टू इंटू 1300 इंटू यू वन कितना? 36, 0000 कट, 36 into 36 upon 25। Yes, sir. और यू वन के मामले में, वी वन के मामले में देखो, यू टू जीरो है, ये टर्म जीरो है, बस ये बचेगी। एम वन कितना? 1300 - 1200, ऊपर 100 आए, नीचे 2500, और यू वन कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा, ये दो जीरो गए, 36 / 25 किलोमीटर पर आवर। तुम देखो क्या बड़े झटकी है, कोलिजन के बाद ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से रहेगा 1.2 और समथिंग, 1.3, मतलब इमेजिन करो, ये जो आगे वाली कार है, सोचो ये अगली कार सिग्नल पे खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है? सिग्नल पे, रेड कंडीशन में, और पीछे की कार ने उसको धक्का दे दिया, तो अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ, अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो क्या होगा? ये जो पीछे वाली कार है इसकी स्पीड 36 से बन जाएगी 1.3, और आगे वाली कार जिसको धक्का दिया गया उसकी ओरिजिनल स्पीड 0 थी, 0 की बन जाएगी 36। और तेरे देखो क्या हो रहा है, जो पीछे की कार है ना वो ऑलमोस्ट रुकने को आ गई, और जो आगे की कार है उसको ऑलमोस्ट इसकी वेलोसिटी मिल गई। मुझे लगता है सागर इसीलिए बोल रहा था कि वेलोसिटी इज ट्रांसफर, हां मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, इसका मोमेंटम इसको गया, इसका मोमेंटम इसको गया, समझ रहे हो? तो मोमेंटम जाने से इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 1.3 तक आ गई, और इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट इसकी बराबर हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है पता है क्या? क्योंकि इन दोनों का मास है ना, मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इक्वल मास होगा ना, देखो इंटरेस्टिंग चीज होती है जब मासेस इक्वल होते हैं, जब मास क्या होते हैं? इक्वल, मैं आपको बताता हूँ, जब मासेस इक्वल होंगे तब क्या होगा? When masses will be equal, जब masses equal होंगे
सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस व्हेन मासेस आर इक्वल, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। वो जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में m1 इक्वल टू m2 पुट करो, देखो क्या आता है। ऊपर आता है ट्वाइस ऑफ m u2 अपॉन m प्लस m 2m, और ये क्या हो जाएगा m माइनस m 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 2m 2m क्या आंसर क्या आता है, ये u2। सिमिलरली v2 देखो क्या आता है, ओके m माइनस m 0, ये 2m नीचे 2m 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 के अंदर v2 इक्वल टू आ जाएगा u1। सो वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज। हां वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, मतलब कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी u1, इसकी थी u2, दोनों का मास सेम है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी v1 वो इसके बराबर हो जाएगी u2, और इसकी जो वेलोसिटी थी u2 वो u1 के बराबर, मतलब इसकी वेलोसिटी उसको, उसकी वेलोसिटी इस, इसकी वेलोसिटी उसको मिल जाती है, उसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है अगर दोनों मासेस इक्वल है तो। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस, ठीक है, वन ऑफ द स्पेशल केसेस इन विच व्हेन मासेस आर इक्वल, सो व्हाट हैपेंस इज वेलोसिटी इज गेट एक्सचेंज। हां velocities get exchanged, velocities exchange, इसकी velocity उसको मिल जाती है, उसको इसकी मिल जाती है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज और दोनों का मास आपको इक्वल दिया है, तो बेझिझक आप पहले की velocity दूसरे को दे दो, दूसरे की velocity पहले को दे दो, आपको वापस वापस फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, करोगे भी तो क्या वही आंसर आएगा वापस। ओके लेट्स गो टू वन मोर स्पेशल केस, सपोज ऐसा हुआ तो, वन मोर स्पेशल केस, जो पीछे से जो मास टकराने वाला है वो बहुत बड़ा है, इमेजिन करो ऐसे ट्रक है, ट्रक तो काफी बड़ा है, ट्रक का मास कितना ज्यादा होता है, पर आपकी छोटी सी टाटा नैनो है, अब टक्कर हो गई तो क्या होगा, सोचो इसकी वेलोसिटी u1 और आपकी वेलोसिटी u2, तो टक्कर के बाद क्या होगा, इसका मास एक काम करते हैं, m1 लेते कैपिटल M बहुत लार्ज मास, और m2 लेते स्मॉल m वेरी स्मॉल मास, मतलब ये स्पेशल केस कैसी है कि m1 इज मच ग्रेटर देन m2। तो अगर इस सिचुएशन में आप क्या एक्सेप्ट करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, बोलो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आपको क्या एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन हियर, इस केस में क्या होगा बोलो, what will happen, छोटे मास को डबल वेलोसिटी, छोटे मास को मोमेंटम उसको मिलेगा, छोटे मास को क्या होगा डबल वेलोसिटी मिलेगी, डबल, ये तुमको कैसे पता चला कि डबल मिलेगी, बोल के क्योंकि मास डबल है, मास मास का टमाटर ट्रिपल क्यों नहीं, डबल क्यों, व्हाई नॉट ट्रिपल, व्हाई डबल, फॉर्मूला यूज करके वो रिजल्ट मिलता कैसे, ये देखो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v1 क्या ट्वाइस ऑफ m2, ट्वाइस ऑफ कैपिटल m, ठीक है, कैपिटल m प्लस स्मॉल m, बस ये क्या है, कैपिटल m माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ठीक है, ये आएगा u1, सॉरी ये u2 है, क्योंकि कैपिटल m काफी ज्यादा है, ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, कितना ज्यादा है, इमेजिन करो ट्रक का वजन है 10,000 किलो और आपके टाटा नैनो का वजन है 500 किलो, देखो ना कितना फर्क है, 20 टाइम्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20, मतलब ये 1 है ये 20 120, तो मुझे बताओ ये 1 है तो ये 20 है, तो 20 के कंपैरिजन में 1 को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, आई कैन निग्लेक्ट 1 इन कंपैरिजन, क्योंकि 20 हो या 21 हो क्या फर्क, कितना फर्क पड़ेगा, 2-4% का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि कैपिटल M काफी ज्यादा है स्मॉल m से, तो
तो मैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को अप्रोक्सीमेटली कैपिटल एम ही ले रहा हूं, मैं कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम को भी अप्रोक्सीमेटली कैपिटल एम ही ले रहा हूं। अगर मैं ऐसे करता हूं तो यहां पे कैपिटल एम कैंसिल, यहां भी कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या देखो, v1 इक्वल ट्वाइस ऑफ u2 टू u ट्वाइस ऑफ u2 और नीचे क्या बचेगा, नहीं यहां पे माइनस 1 बचना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन हटा दो यहां से, ये लाइन हटा दो। एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैपिटल एम से डिवाइड करो। कुछ गड़बड़ की है मुझे ऐसा फील हो रहा, ओ डिड आई मेक सम मिस्टेक समवेयर और एम आई करेक्ट, कैपिटल एम पुट किया एम टू, अरे ये एम टू मिला, एम टू भी स्मॉल एम आना चाहिए ना। ओए टमाटर, मैंने वैल्यू करेक्ट पुट की क्या, तुम्हारा ध्यान है क्या सब लोगों का? तो ठीक से देखो, वैल्यूज करेक्ट है क्या, ठीक से देखो, अभी हाँ करेक्ट वैल्यूज करेक्ट है क्या, ऊपर कैपिटल एम से डिवाइड करो, नीचे भी कैपिटल एम से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी सेम चीज यहां पर भी करो, कैपिटल एम से डिवाइड करो, इधर भी कैपिटल एम से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ऐसा ही काम कर सकते हैं ना विदाउट एनी एरर। ये अप्रोक्सीमेटली क्या लेना, के लेने वाले आप जीरो लेने वाले ना, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो सीधा v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन वन u1 है, ये जीरो या मतलब इसका अगर ट्रक को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्रक की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी u1 और फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी u1 ही आएगी, और ये तो एक्सपेक्टेड है ना आपके नैनो की वजह से ट्रक तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है, तो लार्जर मास की वेलोसिटी वही बरकरार रहेगी, लार्जर मास की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो v1 क्या आ रहा है, u1, जो छोटा मास है कौन सा, ये छोटी का, इसको फर्क पड़ेगा, और इसको क्या फर्क पड़ेगा, वो निकालने के लिए v2 यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, देखो v2 क्या आता है, ट्वाइस m1 है कैपिटल m और u1 है u1 अपॉन कैपिटल m प्लस प्लस ये है m2 इज स्मॉल m माइनस कैपिटल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m m2 माइनस m1 इनटू अपॉन u। अब सेम चीज करो, डिवाइड बाय कैपिटल m, डिनोमिनेटर आल्सो न्यूमरेटर आल्सो, 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल m प्लस कैपिटल m से डिवाइड करो माइनस 1 अपॉन स्मॉल m बाय कैपिटल m प्लस 1। ओके स्मॉल एम बाय कैपिटल एम क्या लेना, जीरो राइट, तो इसको क्या लेना है, इसको जीरो लेना है, इसको जीरो लेना है, इसको जीरो लेना है, बचता क्या है देखो, व्हाट रिमेंस, v2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1 माइनस u2, ये बचता u2, वी गेट दिस, मतलब हो क्या रहा है, ये ट्रक की जो वेलोसिटी है कितनी, वेलोसिटी u1 ना, उसका डबल इसको मिल रहा है नैनो को, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, ट्वाइस ऑफ u1 माइनस u, मतलब ट्रक की डबल वेलोसिटी इसको मिले, इसका u1 है तो इसको ट्वाइस ऑफ u1 और उसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो माइनस, और अगर ओरिजिनल वेलोसिटी जीरो होगी तो
अगर नैनो रेस्ट कंडीशन में होगी तो इमेजिन करो टाटा नैनो ऐसे सिग्नल पे खड़ी है और पीछे से आके ट्रक ने धक्का दिया, पीछे से आके किसने धक्का दिया, यू2 क्या है जीरो। तो अगर यू2 जीरो होगा तो वी2 क्या मिलेगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी इसकी डबल वेलोसिटी इसको मिलेगी। सोचो मतलब बड़ी से गाड़ी ने अगर आपको U1 से धक्का दिया तो आपकी स्पीड उस गाड़ी के स्पीड के डबल हो जाती है। इसीलिए ना बड़ी गाड़ी के रास्ते में कोई आता नहीं है, सिंपल सा धक्का। इमेजिन करो कि सिर्फ 20-30 की स्पीड से आ रहा है, ज्यादा स्पीड नहीं, 20-30 20-30 की स्पीड से भी धक्का लग गया इसको, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 40-60 हो जाएगी ना, सीधा डबल ना, डायरेक्ट डबल। तो इसीलिए जो एकदम बड़ी सी गाड़ी है बस है अगर उसका धक्का लग जाए तो बहुत मुश्किल होती है छोटी गाड़ी हो, इसलिए रास्ते में आता नहीं देखो कोई। नेहा इज सेइंग सर वॉइस इज लो, आई नो बेटा वॉइस इज लो बिकॉज आई एम स्टिल यूजिंग टेबल माइक। अभी देखो मैं माइक सामने ऐसे रखूंगा अब अच्छा आवाज आएगा। आपकी ओरिजिनल वेलोसिटी काफी ज्यादा है तो आपकी ओरिजिनल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इम्पैक्ट कम होगा ना आपको। सोचो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों के पास कार है, मेरी कार एक जगह पे खड़ी है लेकिन उसकी कार मोशन में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ज्यादा जोर से धक्का किसको लगेगा, जिसकी गाड़ी खड़ी है उसको ज्यादा जोर से लगेगा कि जिसकी ऑलरेडी ऑलरेडी मूविंग है उसको लगेगा। हाँ तो जिसकी कार खड़ी है उसको डायरेक्ट टू U1 वेलोसिटी मिल जाएगी और जिसकी ऑलरेडी थोड़ी सी मोशन में है तो उसकी जितनी मोशन में उतना इसका इंपैक्ट कम होगा ना, इसलिए माइनस। समझ गए? ओके ये होगी सेकंड स्पेशल केस, लिख लो इसको, ये होगी फर्स्ट स्पेशल केस कि अगर मासेस इक्वल है तो velocities are exchanged, velocities are exchanged, अगर masses equal है तो, और अगर masses एक दोनों में से एक mass काफी ज्यादा है like this, अगर ऐसा है तो पहले वाले की velocity पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। velocity of larger mass remains same, velocity of larger mass remains same and velocity of smaller mass के लिए velocity larger वाले से double मिलती है, लार्जर वाले से डबल मिलती है। चलो लिखो भाई फटाफट, राइट दिस डाउन, स्पेशल केसेस। सर मूवीज में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या बात कर, फिर रूल्स ऑफ फिजिक्स डू नॉट अप्लाई टू साउथ इंडियन मूवीज एंड करंटली इवन बॉलीवुड मूवीज। सर इस वीकेंड के टेस्ट का टॉपिक, इस वीकेंड के टेस्ट का टॉपिक कोलिजन होगा, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन, लेकिन उसमें कुछ सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन भी आएंगे। देखो कोलिजन में ना सेंटर ऑफ मास कोलिजन का ही पार्ट है, सेंटर ऑफ मास यूज होगा ना, अभी करेंगे अपन यूज सेंटर ऑफ मास को भी। चलो डन हो गया लिख के, चले आगे।
सर ग्रैंड टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट की डेट बता दी ना सर ने आपको? हाँ सर 6 तारीख। सिक्स फेब्रुवरी। ओके ग्रैंड टेस्ट में कोलिजन भी है ना? चलो कोलिजन तो वैसे इसी वीक में खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसकी दो स्पेशल केसेस हो गई। अभी मैं आता हूँ पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में। वैसे तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चंस आगे करेंगे, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में देख लेते हैं आज, ठीक है? तो मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ भैया, रिमूव दिस कंप्लीटली। अब आते हैं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। अब मुझे बताओ पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सबसे पहली बात तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा क्या? विल देयर बी मोमेंटम कंजर्वेशन? चलो बताओ मोमेंटम कंजर्व होगा, विल द मोमेंटम कंजर्व? यस सर। मोमेंटम विल बी कंजर्व ना? सो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में देखो मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होगा क्या, कंजर्वेशन होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी लॉस, राइट? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का उतना लॉस होगा क्या जितना परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी is minimum, not maximum possible loss. नहीं minimum नहीं बोल सकते, minimum तो zero है ना। जब आप minimum बोलते हो तो minimum का मतलब तो कुछ भी loss नहीं होना चाहिए ना, और वो तो इलास्टिक में होता है ना, वैसे परफेक्टली इलास्टिक में, लेकिन पार्शियली इलास्टिक में minimum भी नहीं होता loss और maximum भी नहीं होता, उसके in between होता है, ठीक है? So loss of kinetic energy is not maximum possible loss. मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है? वो है हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन ब्रैकेट यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर। ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है जो किसमें होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है, जिसमें दोनों मासेस आफ्टर कोलिजन एक दूसरे को स्टिक होते हैं, राइट? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? इसमें दोनों मास एक दूसरे को स्टिक नहीं होते, लेकिन लेकिन काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा लॉस होता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस नहीं होता। मैक्सिमम लॉस तो परफेक्टली किसमें होगा? हैपेंस इन, इट हैपेंस ओनली इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। ओके चलो अभी पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में बहुत कम लॉस होता है, बहुत कम नहीं बोल सकते, लेकिन जीरो से लेकर मैक्सिमम के बीच में, मतलब मैक्सिमम इतना भी नहीं होगा और सीधा जीरो भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं तो भी होगा। अब वो कितना थोड़ा सा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी हो, अब उसको थोड़ा बोलना है ज्यादा बोलना है वो तो तुम्हारी चॉइस है, है कि नहीं? इंफिनिटेसिमल बोल सकते हैं सर, नियर टू जीरो बट नॉट जीरो। यस बिटवीन दिस, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर इतना लॉस हुआ तो उसको क्या बोलोगे? परफेक्टली इलास्टिक। अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस अगर मैक्सिमम है तो उसको क्या बोलोगे आप? परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन लॉस ना इतना है ना इतना, इन दोनों के बीच में, तो फिर उसको क्या बोलोगे आप? पार्शियली इलास्टिक। तो ये लॉस कितना होगा हर कोलिजन में पार्शियली इलास्टिक में? बैकग्राउंड नॉइज
इसको स्टडी करने के लिए हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ न्यू टर्म टू स्टडी दिस। देखो मुझे बताओ, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है? देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन अगर मासेस m1 m2 है और वेलोसिटी u1 u2 है, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? v1 v2, और जो वेलोसिटी का डिफरेंस है कोलिजन से पहले वही डिफरेंस कोलिजन के बाद भी होता है। तो ये जो डिफरेंस है कौन सा डिफरेंस? u1 माइनस u2, यही डिफरेंस क्या आता है? v2 माइनस v1 आता है, ठीक राइट। सो इन केस ऑफ इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, डू यू एग्री? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं? ये तो अभी अभी पढ़ा ना अपन ने, जस्ट अभी पढ़ा, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि पहले जो वेलोसिटी का डिफरेंस था वही डिफरेंस बाद में भी रहेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता बाद में, परफेक्टली इनइलास्टिक में तो v2 v1 दोनों इक्वली हो जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। लेकिन पार्शियली इलास्टिक में क्या होता है? इन पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? ये जो डिफरेंस है ये एक्सेप्ट v2 माइनस v1 के बराबर नहीं होगा, v2 कोलिजन के बाद जो डिफरेंस होगा ना वो इसका कुछ परसेंटेज होता है या इसका कुछ फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन को बोलते हैं ई, समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज अ फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बोल सकता हूं मैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज फ्रैक्शन ऑफ, अब वो फ्रैक्शन 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज, दैट फ्रैक्शन व्हिच इज टर्म्ड एज ई इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ, इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने सुना है सब्स्टिट्यूशन? आपने पहले सुना या फिर रेस्टिट्यूट ये वर्ड आपने सुना है कैसे? हैव यू हर्ड दिस वर्ड और रेड समवेयर, कभी इंग्लिश की बुक में वगैरह कभी पढ़ा इस वर्ड के बारे में, रेस्टिट्यूशन या रेस्टिट्यूट? नहीं, मैंने ये वर्ड पढ़ा था किसी बुक में, जब मैं हिस्ट्री का कोई बुक पढ़ रहा था तब फर्स्ट टाइम, मुझे याद है कुछ तो भी 1947 का जो पार्टीशन की हिस्ट्री थी उसमें ये वर्ड मैंने देखा, डिक्शनरी मीनिंग तब मैंने देखा था इसका पहली बार। मतलब वर्ड ऐसा था कि, सेंटेंस ऐसा था कि दोज पीपल हु लेफ्ट इंडिया बट अगेन केम बैक did not get their property restituted। देखो वर्ड के सेंटेंस सेंटेंस बैकग्राउंड नॉइज होने नालायक। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ सेंटेंस ऐसा था कि दोज पीपल हु लेफ्ट इंडिया इन 1947 बट लेटर केम बैक डिड नॉट गेट देयर प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूटेड, मतलब क्या? जो लोग इंडिया छोड़ के 1947 में गए थे लेकिन बाद में किसी कारणवश वापस आ गए, उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वापस रेस्टिट्यूट नहीं की, समझे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि जो लोग इंडिया छोड़ के गए थे तो उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके उन लोगों में बांट दी थी जो लोग वहां से यहाँ पे आए थे, तो उनकी प्रॉपर्टी वापस रेस्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो रेस्टिट्यूट का मतलब समझ रहे तुम, वो मीनिंग क्या आ रहा है इसमें? हिस्ट्री हिस्ट्री को साइड में रखो, सेंटेंस में रेस्टिट्यूट का मीनिंग समझ में आ रहा है? सेंटेंस कैसा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट रेस्टिट्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल हु केम बैक,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट रेस्टिट्यूट, तो रेस्टिट्यूट नहीं किया मतलब वापस नहीं दिया, रेस्टिट्यूट का मतलब होता है वापस देना, रिस्टोर करना, टू रिस्टोर। हाँ वही से लिया गया। ये वर्ड कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड कहाँ से क्या है कि लेटर में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान से देखो क्योंकि इसके ऊपर है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कोलाइड होता है, क्या हो रहा है कोलाइड, कोलिजन, कोलिजन। तो हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या होता है, हम देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होता है, मतलब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है u1 u2, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, आफ्टर कोलिजन v1 v2। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान क्या होता है। वैसे भी कोलिजन बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होता है, लेकिन फिर भी उस टाइम इंटरवल के अंदर आपको क्या लगता है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज बिफोर दैट इज आफ्टर, व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, इन बिटवीन छोटे से टाइम के लिए क्या, बस सोचो थिंक। ये चीज इसको कोलाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। फिर कोलिजन में क्या होगा, जब ये दोनों चीजें टकराएंगी तो ये चीज इस चीज को और ये चीज इस दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, बोथ विल कंप्रेस ईच अदर, देयर विल बी कंप्रेशन, देयर विल बी डिफॉर्मेशन, देयर विल बी डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज। होगा कि नहीं होगा, ऐसे कंप्रेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। अब इस डिफॉर्मेशन में क्या होगा, इस डिफॉर्मेशन में क्या होगा कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, इनकी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, वो किस में जा रही है, पोटेंशियल में, क्योंकि क्या हो रहा है कंप्रेशन होता है, क्या हो रहा है कंप्रेशन होता है, एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी में, इलास्टिक। लेकिन होता क्या है कि कोलिजन के दौरान, क्योंकि ये चीजें अगर इलास्टिक है, अगर ये चीजें इलास्टिक है तो इनकी इनका जो डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन से वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ये दोनों चीजें वापस ओरिजिनल शेप में आएगी। जब ये दोनों चीजें वापस ओरिजिनल शेप में आएंगी तो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में गई थी वही काइनेटिक एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेट्स रिस्टोर्ड बैक इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स रिस्टोर्ड बैक इनटू अगेन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट रिस्टोरेशन इज कैन बी टर्म्ड एज रेस्टिट्यूशन। समझ रहे हो क्या, एम आई मेकिंग सेंस? एकदम सत्य होता हूं जो मैं बोल रहा हूं, इस बात की कुछ सेंस लग रही है क्या? स्पीक अप, रेज योर हैंड, बोलो। अरे स्पीक अप, क्या हुआ, किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग कोलिजन सब पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स टर्न्ड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, potential energy is again restored in the form of kinetic. So restoration, that restoration of energy can be called as restitution. तो इसका मतलब पता है आपको? मुझे एक बात बताओ, देखो इंटरेस्टिंग चीज है ये, देखो मुझे एक बात बताओ, यहां पे लिख रहा हूं मैं ड्यूरिंग कोलिजन, देखो ड्यूरिंग कोलिजन सब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ इफ सोचो, इफ ऑल ऑफ दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिस्टोर्ड, सारी की सारी एनर्जी रिस्टोर हो गई, सारी की सारी एनर्जी जो पोटेंशियल में गई थी वो वापस काइनेटिक में रिस्टोर हो गई,
तो आप कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन है इफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज रिस्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वन. इफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट रिस्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इज लॉस्ट देन रेस्टोरेशन नहीं हुआ ना, ई क्या आएगा, जीरो आएगा. इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई कितना होता है, वन. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई होता है वन, क्योंकि उसमें सारी पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हो रही है ना, रेस्टिट्यूट, एवरीथिंग इज गेटिंग रिस्टोर्ड, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूट. तो रेस्टिट्यूट इज इक्वल टू वन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन. और अगर सारी एनर्जी जो कि पोटेंशियल में गई थी, सारी मतलब जो काइनेटिक का जितना भी हिस्सा पोटेंशियल में गया था, उसी हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, तो काइनेटिक का जितना हिस्सा पोटेंशियल में गया था ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, वो जो एनर्जी है वो अगर सारी की सारी लॉस हो गई, रिस्टोर हुई नहीं, जो पोटेंशियल में गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पोटेंशियल में एनर्जी गई थी, जो बॉडी के डिफॉर्मेशन में गई थी, अगर वो रिस्टोर नहीं हुई, तो फिर हम उसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और उस मामले में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि कुछ भी रेस्टिट्यूट नहीं होगा. समझ रहे हो क्या? तो आप वो वर्ड कहां से आया समझ रहे हो, रेस्टिट्यूशन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड रेस्टिट्यूशन? इट इज द वर्ड रेस्टिट्यूशन रेफर्स टू रेस्टिट्यूशन ऑफ और रिस्टोरेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगेन बैक टू काइनेटिक एनर्जी. तो इसीलिए ना कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा पूछते पता है, एक क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में ऐसा आया भी था आईडियस कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग ऑल कोलिजंस. मुझे बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग ऑल कोलिजंस, इज इट ट्रू? ट्रू. मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग ऑल कोलिजंस ना, चाहे इलास्टिक हो, नॉन इलास्टिक हो, ठीक है. नहीं, और दूसरा दूसरा स्टेटमेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. देखो स्टेटमेंट सुनो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. तीसरा स्टेटमेंट था काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकंड के लिए रुको, 30 सेकंड के लिए रुको, सोचो और मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनो. स्टेटमेंट ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ट्रू और फॉल्स? नहीं, अब ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट देखा जाए तो अगर टेक्निकल पॉइंट पे देखा जाए तो फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है. कैसे? देखो थ्रू आउट द टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन थ्रू आउट द कोलिजन ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी का कुछ कुछ हिस्सा पोटेंशियल में जाके फिर वापस आ रहा है ना, तो कंजर्व हो रहा है ऐसा थोड़ी बोल सकते हो. कंजर्व होना मतलब हर मोमेंट पे सेम वैल्यू रहेगा. कंजर्व होना वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? कंजर्व होना मतलब हर पॉइंट पे सेम रहना चाहिए. इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड इट्स वैल्यू शुड बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. काइनेटिक एनर्जी, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन. अब वो करेक्ट है क्या? वो करेक्ट है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन.
लेकिन थ्रू आउट द कोलिजन इज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट? नहीं सर, नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी गेट्स इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल अगेन गेट्स बैक टू काइनेटिक। तो कितना पोटेंशियल वापस काइनेटिक में आएगा, मतलब कितना पोटेंशियल वापस काइनेटिक में रिस्टोर होगा, कितना पोटेंशियल वापस काइनेटिक में रिस्टिट्यूट होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1 है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है 1, मतलब जितनी भी एनर्जी पोटेंशियल में जाएगी वापस काइनेटिक में रिस्टोर होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0 है, मतलब जितनी भी एनर्जी पोटेंशियल में जाएगी कोई भी वापस रिस्टोर नहीं होगी, लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फील आ रहा है क्या? उसको कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? और मुझे बताओ, जितना कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ज्यादा हो, जितना कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, आपको लगता है कि उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वापस रिस्टोर होगी? हाँ सर। और उतना वो कोलिजन इलास्टिक होगा? यस। मतलब एक तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आपको ये बताता है कि कोलिजन कितना इलास्टिक है। E की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना वो इलास्टिक है, और E की वैल्यू जितनी कम है उतना वो इनइलास्टिक है। समझ लो? ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन E को ऐसे फाइंड करते हैं, यही तो लिखता हूं, E को ऐसे फाइंड करते हैं, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझे कि समझे? लिखो। आई होप कि कंसेप्चुअली और इवन वर्ड्स के मीनिंग भी आप अच्छे से समझे होंगे। अच्छे से लिखो इसको फटाफट। बीच में व्हाइट स्पॉट दिख रहा है ना, लाइट लगाया मैंने सामने का। देखो ये जो फिजिक्स में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, वो वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, हम ऐसे नहीं यूज करते इन वर्ड्स को, मन किया तो यूज किया, ऐसा नहीं है। एचसी वर्मा अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें ना काफी अच्छे से मतलब डिस्कशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, बिफोर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है। सर, ड्यूरिंग कोलिजन के केस में अगर एक ट्रक और कार है तो क्या ही डिफरेंस होगा? ड्यूरिंग कोलिजन के केस में अगर एक ट्रक होगी और एक लैमिनेट हाँ, तो जैसे जब कार्स का कोलिजन होता है तो कार्स का डिफॉर्मेशन होता है ना, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। हमारा एक्सपेक्टेशन बस ये होता है कि जब भी कोलिजन हो तो वो जो एनर्जी है वो गाड़ी को ट्रांसफर हो, गाड़ी के इलास्टिक एनर्जी में जाए, हमारे बोन्स के एनर्जी में ना जाए, तो हमारे बोन्स ब्रेक हो सकते हैं। सो वी ट्राई एवरीथिंग टू नॉट लेट दैट एनर्जी रीच टू अस, एज लॉन्ग एज दैट एनर्जी गेट्स इनटू इलास्टिक एनर्जी ऑफ द कार एंड द बॉडी ऑफ द कार, द पैसेंजर्स विल रिमेन सेफ। उसके लिए हम वो यूज करते हैं ना अंदर, इसलिए कार की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, और उसके अंदर ये भी लगाते हैं ना अपन एयर बैग्स वगैरह होते हैं कार के अंदर, है ना, ताकि इम्पैक्ट जो पैसेंजर्स है उनको इम्पैक्ट फील ना। तो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में होगा क्या कि जो भी एनर्जी गई है किसमें इलास्टिक एनर्जी में, तो वो सारी की सारी काइनेटिक में रिस्टोर नहीं होगी,
उसका कुछ हिस्सा लॉस होगा। अभी सवाल ये उठता है कि अगर, कंजर्व हाँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी ना पार्शियली इलास्टिक में। में ओके डन गॉट इट। तो एक काम करते फिर, मैंने आज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते ना, सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। तो एक काम करते, आज यहीं पे रुकेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बियॉन्ड 8:20। लेकिन आपका कोई नेक्स्ट लेक्चर वगैरह नहीं होगा ना? आज तो 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबॉडी। तो आज बाकी लेक्चर तो नहीं होंगे आपके, तो मैं थोड़ा कंटिन्यू तो कर सकता हूँ आगे कि नहीं? बहुत ज्यादा हो गया मैथ वाला है सर। आज ज्यादा हो गया थोड़ा सा। हमारे मैथ वाला, चलो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। टुडे इज वेनसडे और फ्राइडे, सॉरी थर्सडे। आज कौन सा वार है? वेनसडे वेनसडे ना, कल थर्सडे। तो एक काम करते हैं, कल मैं एक काम करता हूँ, कल मैं इसको है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, वी विल डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, और क्वेश्चंस के बाद चैप्टर तो खत्म ही हो जाएगा। फिर बचता है बस ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन के लिए एक लेक्चर काफी है। तो अगले दो लेक्चर में चैप्टर विल बी फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट टू लेक्चर सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन होने के लिए, प्रैक्टिस सेशन मैं तो नहीं लेगा, आई डोंट थिंक पेशेंट सर भी लेंगे, बट आई कांट कंफर्म। मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकता, तो सर ही आपको बताएंगे सेशन के बारे में। और वैसे भी ऑफलाइन जब शुरू होगा तो अपना लेक्चर ऐसे ही सुबह 6:45 या 6:30 को शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑफलाइन तो नेक्स्ट वीक से शुरू ही कर रहे हैं। जितने भी लोग वैक्सीनेशन वगैरह ले सकते हैं तो वैक्सीनेशन ले लो, क्योंकि एटलीस्ट सिंगल वैक्सीनेशन इज कंपल्सरी टू अटेंड ऑफलाइन लेक्चर्स आई गेस। तो वो नेसेसरी है। बाकी तो मैं देखता हूँ बोर्ड पे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं डिसाइड करता हूँ लेक्चर मुझे बोर्ड पे ले रहे हैं या लेक्चर आईपैड पे ले रहे हैं। जब भी मुझे थ्योरी एक्सप्लेन करनी हो ना, तो मुझे लगता है कि थ्योरी यहाँ पे बेटर एक्सप्लेन होती है, लेकिन जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो आईपैड पे अच्छे होते हैं। ठीक है, हाँ सर, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम जो है हाँ वो आईपैड पे अच्छा होता है। ये देखो, आई कैन डू बोथ। दोनों भी कर सकते हैं अपन, ठीक है? नहीं ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं फिर। टुडे आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। जिनको कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं, मेरे साथ बात करनी है, वो रुक जाओ। जिनको आगे का लेक्चर करना है, वो आगे के लेक्चर के लिए जा सकते हैं। ओके, दोज हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनी डाउट्स, यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग, ज्वाइन मी ऑन जूम। ओके, बाकी लोगों के लिए गुड डे, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एट 6:45। ओके, चलो।